गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज अपनी नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें एक नया टॉपिक क्लास शुरू करने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप घर पर एकदम स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। इसी आशा के साथ यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई वो अनवरत रूप से चल रही है और आप अच्छे ढंग से उसको कर रहे हैं। चलो आज के इस नए दिन में नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए एक अपना पद्यांश भाग है जिसमें जयशंकर प्रसाद, जो हिंदी साहित्य के बहुत प्रमुख कवि माने जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहलाते हैं, और इनकी जो कहानियां हैं, जो उपन्यास है, जो निबंध है, काव्य रचनाएं जो है वो बहुत ही फेमस है। हिंदी साहित्य के अंदर इनका जो पद है वो बहुत गौरवान्वित करने वाला है, गौरव को बढ़ाने वाला है। प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो उन रचनाओं में रहस्यवाद का, दर्शन का, आत्मवाद, मनोविश्लेषण, गहन चिंतन और सामाजिक जो कुरूतियां हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा और लोगों को बतलाया कि किस प्रकार से जीवन की जो निकट समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे हम हल कर सकते। भाई समस्याओं को तो प्रस्तुत किया है लेकिन उन समस्याओं को हल करने का भी एक तरीका बतलाया है। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का एक बहुत प्रमुख महाकाव्य है जिसका नाम है कमाई। कमाई की रचना जो मानी जाती है उनकी वो अंतिम रचना मानी जाती है, और यह जो रचना है वो एक तरह से फैंटेसी है। फैंटेसी का मतलब होता है अति कल्पनावाद, कल्पना की उन्होंने और बताया है। इस कमाई की रचना में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने रचना की है जब पृथ्वी पर अपने इस कामायनी महाकाव्य में, तो उन्होंने एक क्षेत्र है सारस्वत प्रदेश, उस सारस्वत प्रदेश की कल्पना करके उस क्षेत्र का नाम लेकर के ऐसी रचना की जिसमें बताया है कि इस सृष्टि के ऊपर जब मनुष्य अतिचार करने लगता है, भोगवाद में ज्यादा विश्वास करता है, विलासितापूर्ण जब जीवन व्यतीत करता है, असुरों की तरह रहता है, तब प्रकृति अपना प्रलय रूप बताती है। वैसा ही उन्होंने इस कामायनी महाकाव्य में बताया, और प्रकृति जो है प्रलय का रूप लेकर के पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। क्योंकि हम पौराणिक समय से पढ़ते आए हैं कि जब पृथ्वी पर धर्म का नाश होगा, ज्ञान का नाश होगा, भोगवाद होगा, विलासितापूर्ण जब व्यक्ति जीवन जिएगा,
अतिचार करेगा तब प्रकृति अपना एक नया रूप बतलाती है और वापस प्रकृति अपनी विकराल रूप का को धारण करते हुए पूरे सृष्टि को जो है समाप्त करके एक नया युग बनाने की चेष्टा कर। इसी में भी ऐसा ही होता है कि जब मनुष्य अतिचारण करने लगता है, विलास का भोग विलास का जीवन जीता है, तो पूरी शासन प्रदेश में जल प्लावन आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो समाप्त हो गया है। केवल एक व्यक्ति जी उसमें जीवित रहता है, उसका नाम होता है, वो नाम है मनु। और वो घबराया हुआ है, वो विचार कर रहा है कि ये क्या हो गया, सारा का सारा जो संसार है, जो क्षेत्र है, वो कुछ ही पल में प्रकृति ने अपने विकराल रूप को कुछ ही पल में धारण करके सब कुछ तबाह कर दिया। आज भी वही परिस्थिति है। देखिए कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद ने वो रचना रची, आज भी वही स्थिति है। कई बार हमको लगता है कि इस मनुष्य ने प्रकृति का बहुत कुछ दोहन किया है, नुकसान किया है। आज उसका हमें कोरोना का रूप दिखलाई दे रहा है। उसको भी हम मान सकते हैं कि ये भी एक कामायनी की जो कल्पना की थी जयशंकर प्रसाद ने, उसका सच्चा स्वरूप आज हमारे को दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और हमारे तो पौराणिक ग्रंथों में भी लिखा है कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तब पृथ्वी पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रलय या ऐसा पृथ्वी अपना विकराल रूप धारण करेगी कि मनुष्य की जो अत्याचार की जो भावना है, वो विलासितापूर्ण जो जीवन है, केवल भौतिकतावाद है, सारी की सारी चीजें जो है समाप्त हो गई। उसी क्षेत्र में सारस्वत प्रदेश में उन्होंने यही बताया है कि सारस्वत जो प्रदेश है जहाँ के लोग वो विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं और अतिचार करते हैं, स्वार्थ की भावनाओं से जी रहे हैं, प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करती है और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो समाप्त हो जाता है। केवल एक मात्र जो है मनु जीवित रहता है और वो देखता है ऊंची पहाड़ी पर चढ़ करके कि ये क्या हो गया, सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। और उसके मन में बहुत सारे विचार जो है, लज्जा है, संघर्ष है, विवेद है, ईर्ष्या है, ये सारी चीजें उसके मन में आती है। इसी को ही जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना कामायनी के अंदर प्रस्तुत किया है। अब आप थोड़ा बोल पर ध्यान दें, जो मैंने चीजें लिखी है उसको हम पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो कामायनी महाकाव्य हम पढ़ रहे हैं और इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है। और कामायनी जो महाकाव्य है वो अति कल्पनावाद है, फैंटेसी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कल्पना की गई है। इस कामायनी को छायावाद का उपनिषद उसकी भी संज्ञा कवि ने दी है। ये छायावाद का क्या है, उपनिषद है, ठीक है, उसको एक संज्ञा दी गई है क्योंकि बहुत बड़ा महाकाव्य है ये छायावाद का। आगे बात समझो। दूसरी बात, इस कामायनी में जो है प्रमुख जो पात्र है वो पात्र है पहले मनु, जो इसमें प्रतीक है मन का। दूसरा है श्रद्धा, वो हृदय की प्रतीक है। और तीसरा इसमें पात्र है ईड़ा, जो बुद्धि की प्रतीक है, जो किसकी प्रतीक है, बुद्धि की प्रतीक। और ये जो पूरा महाकाव्य है वो बुद्धि पर हृदय की विजय का महाकाव्य है।
बुद्धि पर हृदय की विजय होती है। आपने देखा होगा कई बार हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं या हमारे मन में भी आता है कि एक द्वंद्व चलता है हमारे दिमाग में। वो द्वंद्व क्या होता है? हमारा मन कुछ अलग कह रहा है, हमारी बुद्धि कुछ अलग कह रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आपने देखा होगा हावी होते हैं, और वो किस प्रकार से हावी होते हैं इस चक्कर में हम द्वंद की स्थिति में आ जाते हैं, असमंजस की स्थिति में आ जाए कि ये कह रहे या ये कह रहे। उसी प्रकार से इस कवाई महाकाव्य में भी जो मनु है, जो श्रद्धा है, जो ईड़ा है, इनके ऊपर भी एक द्वंद की स्थिति आती है। विचारते हैं जैसे अभी कोरोना का जो समय है, जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा भी हम भी द्वंद की स्थिति में थे। हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे आगे जीवन चलेगा। जो एक भयानक स्थिति थी, अब तो नहीं है, अब तो हम हमारे अंदर जो भय है वो उसका समाप्त हो गया है, लेकिन जब शुरू का जो समय था उसमें हम भी एक द्वंद की स्थिति में, ऐसा लग रहा था कि जिएंगे या नहीं जिएंगे पता नहीं चल रहा। वो की वो परिस्थिति यहाँ पर कामायनी के अंदर जयशंकर प्रसाद ने बतलाई है कि जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है और एक व्यक्ति विचार करता है कि अब जीवन कैसे चलेगा, जीवन का निर्वाह कैसे होगा, और उस सोचने के चक्कर में उसके दिमाग को बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे संकट उभर करके आते हैं। उन्हीं संकटों को, उन्हीं शंकाओं को जयशंकर प्रसाद ने अपने इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखिए। फिर जयशंकर प्रसाद आपको कुछ एक रचनाएं की प्रमुख याद रखनी है। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं इसमें उपन्यास कौन कौन से, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, कहानियां जो है वो है देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादू, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। फिर काव्य की बात करें तो एक तो काव्य यही है कामायनी जो महाकाव्य कहलाता है, उर्वशी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना व लहर, ये इनके प्रमुख काव्य हैं। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हम तो चलते हैं कि ये पूरा जो कामायनी महाकाव्य है, अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विचारकों ने इसमें अलग अलग इसके खंड बनाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें कुल 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग का मतलब है इसके खंड, 15 खंड है। कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ईड़ा का मतलब तक बुद्धि, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है त्याग, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये सारे के सारे इसके भाग हैं और ये सारी चीजें हमारे जीवन से भी संबंधित है। जब मनुष्य विकट परिस्थितियों में होता है, संसार का कुछ भी सहारा नहीं होता है, तो उसके जीवन में सारी के सारी चीजें, सारे के सारे जो भाव है, संवेग जो है, अपनी साइकोलॉजी की भाषा बोलता है इमोशंस, संवेग, वो सारे के सारे ऊपर होते हैं। इस कामायनी में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। कवि के मन में चिंता भी होती है, आशा भी होती है, श्रद्धा भी होती है, काम की भी भावना होती है, वासना भी होती है, लज्जा होती है, कर्म होती है, ईड़ा होती है, सारे भाव, और इन सभी भावों के अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे हो जाती है, उसके विचार कैसे हो जाते हैं, उसके हाव भाव कैसे हो जाते हैं, उन सभी परिस्थितियों का इन्होंने वर्णन किया है। आनंद है तो व्यक्ति आनंद के अंदर जी रहा है, उसके उस समय उसके बोलचाल
या उसका रहन सहन का जो तरीका है वो अलग होता है। चिंता होती है तो उसके चेहरे के हाव भाव, उसका रहन सहन, बोलने का हाव भाव वो अलग होता है। इस सभी शर्तों का, भावों का जयशंकर प्रसाद ने गहन अध्ययन करके इसमें बतलाया। ये 15 सर्ग है। फिर अपन बात करते हैं कि इस रचना का क्या उद्देश्य था, क्या बतलाया गया है, किस प्रकार से इस रचना का उद्देश्य कवि ने किया है, इसका निर्माण कोई ना कोई उद्देश्य रहा हो। कवि ने ऐसे पहले ही कल्पना कर ली थी और ये जो कल्पना है वो हम पौराणिक समय से भी देख रहे हैं और वर्तमान के युग में भी आप अभी देख ही रहे हैं। देखो कवि की जो सोच है वो कहां तक जा रही है और यथार्थ रूप में भी हमारे को स्पष्ट दिखलाई देती है। जब कोरोना का समय है तो देखिए हमें ये सारी की सारी चीजें, इन सभी चीजों से जो यहां पर कवि ने बताया था, उस समय जो लिखा था, इन सारी चीजों से हम क्या कर रहे हैं, उसके आसपास इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। हमारे मन में चिंता भी हो रही है, आशा भी हो रही है और कई बार श्रद्धा भी हो रही है। श्रद्धा देखिए हम अभी इतने डुबाए हैं तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे परिवार को या इस बीमारी से हमारे को दूर रखे, है ना। तो ये क्या होगी श्रद्धा, हो पहले भगवान को कुछ नहीं मांगते, लेकिन आज वर्तमान समय में केवल एक ही हमारी आशा वो है श्रद्धा। लज्जा भी है, स्वप्न भी है, नींद भी नहीं आई हुई थी, किसी परिवार वाले को उसकी तबीयत खराब हो गई तो हमारे नींद भी नहीं आई। तो ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन के अंदर आती है और इन्हीं के द्वारा मनुष्य उस समय क्या कर्म, किस क्रीड़ा के अंदर लगा हुआ है, उसके भाव कैसे हैं, उस सारी चीजों का उल्लेख जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के अंदर किया। इस रचना में प्रलय के बाद जब प्रलय आ गया, सारी सृष्टि समाप्त हो चुकी, उसके बाद सृष्टि रचना के क्रम में अब नई सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, नई सृष्टि कैसे होगी, उसी क्रम में मनु जो इसका एक पात्र है, जो मन का प्रतीक है, और श्रद्धा जो हृदय की प्रतीक है, पुरुष और नारी के पारस्परिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को पौराणिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक धरातल पर प्रस्तुत किया है। देखिए सृष्टि का जो निर्माण है, पुरुष और एक नारी के द्वारा ही परस्पर सहयोग से, उनके त्याग से, उनके बलिदान से ही निर्माण हो सकता है। आज हमारे घर में भी देखिए हमारा जो परिवार चल रहा है, तो आपको पता है कि हमारे जो गार्जियन है, हमारी माता जी है, पिताजी है, उनका एक जो संघर्ष है, त्याग की जो भावना है, उन त्याग की भावनाओं से ही हमारे परिवार का निर्माण होता है। जो हमारा परिवार हमको दिखलाई देता है, तो वो जो दिखलाई दे रहा है तो उसमें उन्होंने क्या क्या त्याग किया है, किस प्रकार से बलिदान दिया है, कैसे उन्होंने अपने सपनों को संजोया होगा और किस प्रकार से त्याग करके एक नए उद्यान की रचना की होगी, एक नए परिवार की रचना की होगी और उसमें कितना समय लगा होगा, कितना उन्होंने बलिदान दिया होगा, तो वो यही जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मनु और श्रद्धा भी जो है वो एक नए समाज की, नई सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसमें क्या मनु कई बार पीड़ा की पीड़ा पास जाता है जो बुद्धि की प्रतीक है और कई बार उसके ऊपर बुद्धि हावी होती है। पीड़ा मनु को अलग रास्ते पर लेके जाती है जिसमें सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, श्रद्धा
मन को एक सही रास्ते पर एक सकारात्मक क्षेत्र की ओर लेकर के जाती है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन मन जो है वो डिफाइन नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता कि उसे क्या करना है। तो उन सभी बातों को यहां पर जयशंकर प्रसाद ने उन भावों को प्रस्तुत किया है कामायनी के महाकाव्य में। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कामायनी महाकाव्य क्या है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रमुख रचना है और छायावाद की प्रमुख स्तंभ कहलाती है। हिंदी में आपको पता है कि छायावाद एक युग था जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये प्रमुख स्तंभकार माने जाते हैं, प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने सृष्टि को, इस पृथ्वी को प्रमुख बिंदु मान करके उनसे संबंधित रचनाएं लिखी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए इसमें तीन पात्र है, मनु, श्रद्धा और निराला। और मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय की प्रतीक है, और पीड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। मन के ऊपर कभी हृदय, मैंने आपको बताया था मनु जो है वो कभी श्रद्धा की ओर अग्रसर होता है और कभी पीड़ा की ओर अग्रसर होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, ये तो केवल पात्र है, मतलब एक मनुष्य के ऊपर कई बार हृदय जो है वो हावी हो जाता है और कई बार बुद्धि हावी हो जाती है। तो इसमें जो प्रमुख रूप से बुद्धि पर हृदय की विजय की बात बतलाई गई है। ठीक है, दूसरी बात, कामायनी के मुख्य रूप से 15 सर्ग है जो मैंने आपको बता दिया, चिंता, आशा, सत्ता, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, लीला, स्वप्न, संघर्ष, निर्देश, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये क्योंकि सृष्टि का निर्माण इन्हीं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी कि इस रचना में प्रलय के बाद जब सारी सृष्टि समाप्त हो चुकी होती है उसके बाद सृष्टि रचना के क्रम में मनु और श्रद्धा पुरुष और नारी के पारस्परिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को पौराणिक रूप से सांस्कृतिक तथा दार्शनिक धरातल पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज नहीं समझ में आई आप मुझे कमेंट्स करके वापस दोबारा बता सकते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके बहुत ही फेमस है और हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो कवि है वो बहुत फेमस है, तो एग्जामिनर इसका तो एक 100% क्वेश्चन पूछता है। बस आपको समझना ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और कवि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन उठाइए, प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, प्रमाणित कीजिए कि कामायनी एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रमाणित कीजिए कि कामायनी श्रेष्ठ महाकाव्य है। लिख लिया, आगे एक क्रम में लिखे उत्तर में कंटिन्यूस लिखना है आपको। कामायनी छायावाद की मूल कृति है, जो मैंने आपको बता दिया। कामायनी छायावाद की मूल कृति है, उसमें काव्य कृति के समस्त गुण अत्यंत परिष्कृत रूप में मिलते हैं। भारतीय काव्य
शास्त्र के अनुसार, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, ईश्वर वंदना, आशीर्वचन और कथा वस्तु के निर्देश के उपरांत सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा होनी चाहिए आदि विशेषताएं महाकाव्य के लिए अनिवार्य मानी गई है। ये सभी विशेषताएं कामायनी के बाद में स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। इस कारण हिंदी ग्रंथ के महानुभवों ने इसको महाकाव्य की संज्ञा दी। ठीक है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। नेक्स्ट लिखे इसमें पहला पॉइंट लिखकर के उद्दात विचार आपको लिखना है। उद्दात विचार इसमें आप योगचर चिन्ह लगा करके आगे लिखेंगे उद्दात विचार। विद्वानों ने उद्दात विचार को महाकाव्य का प्रमुख लक्षण माना है। यहां उद्दात विचार से तात्पर्य गंभीर और महान विचार। उद्दात का मतलब क्या है? उद्दात का मतलब है गंभीर और महान विचार। गंभीर या महान विचार, उसको हम कह सकते हैं उद्दात विचार। कामायनी में कवि ने श्रद्धा मनु के माध्यम से मानवता के विकास की कथा को प्रस्तुत किया। इसका चित्रण मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक धरातल पर किया। ये चित्रण आपको पहले बता दी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। इसके द्वारा कवि ने नए जीवन मूल्यों की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक युग में मनुष्य को जीवन की विषमताओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक युग में, ये चीज आपको पता है, आज भी हम इस कोरोना की जो बीमारी है उससे जूझ रहे हैं, ये भी हमारी क्या है, विषमता है। और जीवन के हर पथ पर आपको पता है कि अनेक विषमताएं आती रहती है और हम उन विषमताओं से जूझते हैं और जूझ करके उसका हल निकाल करके उस समस्या को अलग करते हैं। यहां पर भी यही बताया है, आगे लिखे उसी क्रम में, और उनसे मुक्ति के लिए आनंदवाद की खोज करनी पड़ती है।
यही प्रत्येक युग की समस्या है जिसे कामायनी में प्रतिपादित किया है। ठीक है, प्रसाद में यह प्रतिपादित प्रसाद में यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है कि विज्ञान और बुद्धिवाद के माध्यम से आनंदवाद की तलाश करना अत्यंत कठिन है। आज की वर्तमान स्थिति यही है। आपको पता है, यहाँ पर देखो प्रसाद ने क्या बताया है कि विज्ञान और बुद्धिवाद के माध्यम से हम आनंदवाद की आनंद की उत्पत्ति नहीं कर सकते। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, आज हमारी बुद्धि जो है वो इतनी ब्रॉड हो गई है, लेकिन उसके द्वारा हम आनंद की उत्पत्ति नहीं कर सकते, आनंद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, परंतु श्रद्धा का अनुकरण करके इसे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। देखो हल्की बताया कि हम केवल श्रद्धा के द्वारा ही इसको क्या कर सकते हैं, सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। केवल विज्ञान और बुद्धिवाद का तर्क देकर के या बुद्धिवाद लगा करके हम आनंद की, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति ही चाहता है उसके जीवन में आनंद, अंतिम लक्ष्य क्या होता है, आनंदवाद की प्राप्ति होता है। तो ये आनंदवाद जो है ना तो बुद्धि से प्राप्त हो सकता है और ना ही विज्ञान से, ये केवल प्राप्त हो सकता है केवल श्रद्धा से। ठीक है, आगे देखें, कामायनी में धर्म दर्शन राजनीति मानवीय मनोभावों विज्ञान आदि का सुंदर चित्रण किया गया है और उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने का सफल प्रयास किया। देखिए कामायनी में जो बताया है, धर्म है, दर्शन है, राजनीति है, मानवीय मनोभाव विज्ञान है, इनका बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है और इनके अंदर क्या बताया है, आपसी समन्वय बताया है। और ये वास्तविक सत्य है कि जब इन सभी में समन्वय होगा तभी एक अच्छी सृष्टि का या अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं है तो हम अच्छे समाज का या अच्छी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखा है इसमें अगला पॉइंट दूसरा उद्दार उत्थाना। दूसरा जो पॉइंट है यहां लिखा हुआ है उद्दार उत्थाना। उद्दार उत्थाना इसमें लिखे महाकाव्य का कथानक इस प्रकार का होना चाहिए कि पाठकों की स्मृति पर गहरी छाप छोड़े। कामायनी की कथा वस्तु इस आधार पर पूर्णतः खरी उतर पाए। यह एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथानक है। इसका संबंध मनु, जो मैंने आपको बताया है मनु जो आदि पुरुष है, श्रद्धा जो आदि नारी है, के जीवन से संबंधित है। इसकी कथा मानवीय भावनाओं के साथ साथ मानव चेतना का सच्चा इतिहास की प्रस्तुत करती है। इस महाकाव्य में मनु को महाप्रलय के बाद चिंतित उद्विग्न और निर्भय
निराश चित्त किया है, उद्विग्न। उद्विग्न यहां पर देखिए देख रहा हूं, उद्विग्न वो बताया चिंतित है मनु, क्योंकि सृष्टि का क्या हो गया, प्रलय हो गया। अब वो विचार कर रहा है कि किस प्रकार से जो नई सृष्टि का निर्माण होगा और वो कैसा होगा, वो इसी चिंता में है, उसी उद्विग्न में है। आगे लिखे इसी क्रम में, श्रद्धा उनमें आत्मविश्वास जगाती है और संसार के प्रति आकर्षित करती है, परंतु वे अधिक समय तक उसके साथ नहीं रह पाते। मैंने आपको बताया था कि मनु जो है वो कभी तो श्रद्धा के ऊपर हावी हो जाते हैं और कभी पीड़ा के ऊपर। तो श्रद्धा जो है वो लंबे समय तक इनके साथ ही रहती है, क्योंकि श्रद्धा क्या है, सकारात्मक भाव है। हमारे जीवन में भी ऐसी है, सकारात्मक जो भाव है वो हमारे ऊपर कम हावी होते हैं और जो नकारात्मक जो भाव है, जो बाहरी वातावरण है, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी होता है और इसी असमंजस में हम हमेशा ज्यादातर रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिखे आप इसमें, उसके साथ नहीं रह पाते हैं और अकेला छोड़कर चले जाते हैं। भटकते हुए वे सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं, वहां उनका परिचय पीड़ा से। पीड़ा यहां बुद्धि का प्रतीक है, वह उसके सहयोग से सारस्वत प्रदेश का शासन भार अपने हाथ में लेते हैं, परंतु उन्हें शांति नहीं। शासन तो ले लिया, इंडिया ने अपना शासन दे दिया, बुद्धि हावी हो गई, सारा शासन चला रहे हैं, लेकिन मन को शांति नहीं, तसल्ली नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत कुछ बिना सोचे विचारे कर तो लेते हैं, लेकिन जब मन हावी होता है तब हमें लगता है कि नहीं, हमने गलत किया है, हमें शांति महसूस की है। इसलिए हमारे पूर्वजों भी, हमारे जो पूर्वज है उन्होंने भी कहा है कि मन और बुद्धि में बहुत अंतर है। बुद्धि जब हावी होती है तो व्यक्ति का विनाश, व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर होता है, और जब मन हावी होता है तो व्यक्ति सकारात्मक भाव से आगे हमेशा बढ़ता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है मनु के साथ। आगे लिखे इसमें, अंततः विभिन्न आंतरिक संघर्षों और मनोव्यथाओं से जूझते हुए वे पुनः श्रद्धा से मिलते हैं। इस प्रकार उनके जीवन में समरसता मतलब आनंद आती है और काव्य में आनंदवाद की सृष्टि होती है। इसलिए यहां तक नेक्स्ट पॉइंट तीसरा लिखे उद्दात चरित्र। तीसरा क्या लिखना है, उद्दात चरित्र। जो उद्दात कथा ने लिखा आपने पक्ष कथा की जगह लिख लीजिए उद्दात चरित्र। उद्दात चरित्र, चरित्र के बारे में मैंने आपको बताया कि यहां पर तीन चरित्र बताए गए हैं, श्रद्धा मनु और ईड़ा, जो मैंने आपको पूर्व में बता दिया। इसी क्रम में आप लिखे आगे योजक चिन्ह लगा करके, श्रद्धा मनु और ईड़ा इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं। कामायनी के चरित्र योजना का संपूर्ण विकास हमें श्रद्धा के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। उसका चरित्र पूर्णतः
महिमा मंडित है और उसमें आत्मविश्वास, दया, माया, ममता, सेवा, सहानुभूति, प्यार, समर्पणशीलता आदि निष्कामता के गुण विद्यमान है। यही कारण है कि वो मनु को समरसता के मार्ग पर आगे बढ़ाते। मैंने आपको शुरू में बताया था कि श्रद्धा जो है वो त्याग, समर्पणशीलता इन सब की प्रतीक है। और आपको पता है कि जो हृदय जो होता है वो हमेशा हमें अच्छे कर्मों की ओर लेके जाता है। जबकि यहाँ पर जैसे कृष्ण प्रसाद ने मनु को जो है, सॉरी क्रीड़ा को जो है वो बुद्धि का प्रतीक बताई, जो उसे भोग विलास की ओर, काम वासना की ओर, चिंता की ओर वहां लेके जाते हैं। और आपको पता है कि इनके द्वारा एक अच्छे समाज का या अच्छी सृष्टि का निर्माण संभव नहीं। दिखने में तो बहुत मनु को लगता है कि ये सही है, लेकिन जब उन्हें अशांति होती है, आनंदवाद की उत्पत्ति नहीं होती, तब उनके समझ में आता है कि नहीं, श्रद्धा के द्वारा ही हमें यह सब कुछ मिल सकता है और एक नए समाज की एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आगे लिखें, क्रीड़ा यहां बुद्धि की प्रतीक है जो मानवीय अंतर्द्वंद की जनक है। मानवीय अंतर्द्वंद जो मैंने आपको बताया था एक संघर्ष की स्थिति है। इसकी है एक संघर्ष चलता है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, द्वंद की स्थिति होती है। एक मन कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बुद्धि हावी हो जाती है तो कहता है नहीं हमें ये करना चाहिए, तो हम उस समय कई कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम परेशान होकर के एकदम शांत जगह पर जाते हैं और फिर सोचते हैं, और ये अंतर्द्वंद चलता रहता है और जीवन का एक अमूल्य भाग भी है। हमारे हर परिस्थितियों में ये हमारे ऊपर हावी होता है, कभी मन हावी हो रहा है और कभी बुद्धि हावी। और जो मन की बात करता है, मन के जो द्वारा बताया जो संदेश है उसके ऊपर अग्रसर होता है तो मनुष्य हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होता है। जब बुद्धि हावी हो जाती है तो मनुष्य का विनाश संभव हो जाता है, विनाश की ओर अग्रसर। तो हमें जो प्रेरणा भी मिलती है उसी प्रकार से इस महाकाव्य में मनु के ऊपर भी कभी पीड़ा हावी हो रही है, मतलब बुद्धि हावी हो रही है, और कभी श्रद्धा हावी। अंत समय में वो श्रद्धा की ओर अग्रसर होते हैं और नए समाज की नई सृष्टि का निर्माण कर पाते हैं। आगे देखो इसी क्रम में आगे लिखें, कवि ने इस प्रकार के पात्रों की सृष्टि कर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि आत्मविश्वास और भावनाएं जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि हृदय और बुद्धि में सामंजस्य स्थापित हो जाए तो जीवन की सभी विषमताएं समाप्त हो जाती है और समरसता की स्थापना हो जाती है। देखो कवि यहां पर क्या बता रहा है कि हृदय और बुद्धि में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना। जब इन दोनों में सामंजस्य हो जाएगा तो एक नई समरसता की, आनंदवाद की उत्पत्ति हो जाएगी, जो द्वंद है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए उदार भाव। उदार भाव प्राचीन भारतीय आचार्य ने कहा है कि किसी भी श्रेष्ठ महाकाव्य में, किसी भी श्रेष्ठ महाकाव्य में श्रृंगार,
वी अथवा शांत रस में से किसी भी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। इस कसौटी पर भी कमाई खरी उतरती है, क्योंकि उसमें शांत रस की प्रधानता है और श्रृंगार वीर वात्सल्य भयानक विभत्स आदि अंगी रस है। समझ में आ गया। अब लास्ट में लिखे निष्कर्ष। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कामायनी में महाकाव्य के तत्व पूर्ण गरिमा और वैभव के साथ अभिव्यक्त हुए। ऐसी स्थिति में कामायनी के महाकाव्यत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बस अंतिम रूप से यहां तक ही था, अपना ये विषय समाप्त हो गया। कल अपन इसका एक दोबारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहां तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर ढंग से मैंने आपको बोर्ड पर भी लिखवाया और समझाया, उसके बाद एक क्वेश्चन करवा दिया। वापस आप अपनी नोटबुक और जो किताब है उसमें देखें तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है या कोई ऐसा शब्द तो समझ में नहीं आया तो आप तुरंत मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता दें, ताकि मैं आपकी उस शंका को दूर कर सकूं। इसी आशा के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार वापस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद।